नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था रीट पात्रता परीक्षा 2022 का सामाजिक अध्ययन का सिलेबस और हम पढ़ रहे थे सामाजिक और सामाजिक में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक तो सामाजिक न्याय, बाल अधिकार और बाल संरक्षण, यानी कि पूरे तीन टॉपिक को आज अपने अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा सिलेबस है इसमें से फर्स्ट यूनिट अपनी कम्प्लीट हो गई, सेकेंड भी हो गई, थर्ड भी हो गई और फोर्थ यूनिट के अंदर देखिएगा हमने ये भारतीय संविधान का निर्माण विशेषताएं कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में पिछली वीडियो में हमने उद्देश्य का मूल अधिकार और मूल कर्तव्य को भी डिस्कस कर लिया है। आज अपने इस वीडियो में तीन टॉपिक देखेंगे। सामाजिक न्याय है हमारे पास में, एक बाल अधिकार है और एक बाल संरक्षण है, इनके विषय में बात करने वाले हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं वो कौन सी बातें हैं जो हमें जाननी है और जाननी अनिवार्य है। दोस्तों, सामाजिक न्याय की बात करें, देखिए पहले इस न्याय शब्द को समझ लें तो न्याय का अर्थ ही होता है किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाने वाला। न्याय की बात तो कब हुआ करती है दोस्तों, जब एक को ज़्यादा मिल जाए दूसरे को कम मिल जाए, तो फिर वो कहता है कि ये कौन सा न्याय हुआ, इसे ज़्यादा मिला और मुझे कम मिला। तो ये जो भेदभाव है यही स्पष्ट करता है न्याय शब्द को। तो सामाजिक न्याय यानी समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव न होना दोस्तों, यानी किसी भी जाति, धर्म, लिंग आदि किसी भी प्रकार से समाज के सदस्यों के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं पाया जाना ही सामाजिक न्याय कहलाता है। बिल्कुल सामान्य शब्दों में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब थोड़ा और स्पष्ट करते हैं अपने कि सामाजिक न्याय से तात्पर्य है समाज के सभी सदस्यों के मध्य बिना किसी भेदभाव के समता, एकता और मानवाधिकारों की स्थापना करना। यह मानवाधिकार भी शब्द शामिल किया गया है तथा यह व्यक्ति की प्रतिष्ठा गरिमा को विशेष महत्व प्रदान करता है। यानी समाज के अंदर जो है सभी सदस्यों के मध्य मानवाधिकारों की स्थापना करनी है, वो भी बिना किसी भेदभाव के। दूसरा कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा गरिमा को भी ये विशेष महत्व प्रदान करता है। तो उसके बाद में देखिएगा, यह जो है मानवाधिकारों और समानता के अवधारणाओं पर आधारित एक संकल्पना है। कैसी संकल्पना है, इसका आधार क्या है? तो ये मानवाधिकार किसके आधार पे है, ये मानवाधिकारों और समानता की अवधारणाओं पर आधारित एक संकल्पना है जिसका उद्देश्य जो है समतामूलक समाज की स्थापना करना है। इसका मुख्य जो उद्देश्य वो है समतामूलक समाज की स्थापना करना दोस्तों। उसके बाद में देखिएगा जो है हमारे समाज के अंदर सदा से ही जातीयता, सांप्रदायिकता, ये जो है सामाजिक न्याय की स्थापना में हमेशा से ही बाधा रही है। यानी प्रारंभ से ही भारत जो है इन समस्याओं से जूझता रहा है जिसमें जातीयता और सांप्रदायिकता शामिल थे, जिसके कारण जो है सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो पाई थी। उसमें सबसे बड़ी बाधा यही थी, सामाजिक न्याय के अभाव के कारण जो है विदेशी ताकतें हमारी एकता और अखंडता को तोड़ पाई और हमें लंबे समय तक जो है गुलाम रहना पड़ा था दोस्तों। और इसीलिए भारतीय समाज में सदियों से ही सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष होता रहा है, जारी भी रहा, और कई ऐसे समाज सुधारक भी आए जिन्होंने सामाजिक न्याय की स्थापना पर बहुत ज़्यादा बल दिया था दोस्तों। यानी सामाजिक न्याय की स्थापना किए बिना हमारी उन्नति संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए सामाजिक न्याय नहीं था हमारे अंदर, जातीयता थी, सांप्रदायिकता थी, तभी तो हमारी एकता और अखंडता अक्षुण नहीं रह सकी। और उस एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ही भारतीय संविधान में है जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है दोस्तों। जिन राज्यों के अंदर सामाजिक न्याय का अभाव रहता है, यानी किसी भी देश या किसी भी राज्य के अंदर अगर सामाजिक न्याय का अभाव रहेगा तो वहाँ पर युद्ध, क्रांति, बगावत और विद्रोह की आशंका है जो हमेशा बनी रहती है। कभी भी विद्रोह हो सकता है अगर सामाजिक न्याय नहीं है तो। किसी भी राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर या किसी भी समाज के अंदर यदि युद्ध, क्रांति, बगावत हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो स्पष्ट करता है कि उस समाज के अंदर सामाजिक न्याय का अभाव है दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं भारतीय समाज और सामाजिक न्याय, भारतीय समाज में किस प्रकार से सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख, कौन कौन से न्याय का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख अपने आप में सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण दर्शन है। यानी सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए ही हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया है दोस्तों।
हमारे संविधान के अंदर जो है केवल उदारवादी तत्वों को ही शामिल नहीं किया गया है, यानी केवल उदारवादी ही नहीं है हमारा संविधान, बल्कि ये सामाजिक न्याय से भी जुड़ा हुआ है। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारा जो संविधान है वो अनेक प्रकार के प्रावधान भी करता है। अब देखिए, ये केवल आदर्श की बातें ही हमारे संविधान की नहीं हैं, उदारवादी बातें ही नहीं हैं, बल्कि ये ज़मीनी तौर पर भी सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। इसके लिए संविधान में बाकायदा अनेक प्रावधान किए गए हैं ताकि इनसे जो है सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो सके। अब देखिए, इसके अंदर कौन कौन से जो हैं प्रावधान हैं, उन सभी की हम बात यहाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, समानता के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों के अंदर शामिल किया गया, यानी हम सभी समान हैं, इसको केवल कहा नहीं गया है, एक आदर्श बातें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। अगर समानता का अधिकार हमें नहीं मिलता है तो हम उसके लिए जो है कोर्ट में जा सकते हैं, उसके लिए हम न्याय की मांग भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल है। दोस्तों, संविधान को जो बनाने वाले थे, निर्माता थे, उनका मानना था कि समानता के अधिकार से सदियों से अत्याचार जो सहरे जो वर्ग हैं उनकी स्थिति में सुधार लाना जो है केवल समानता के अधिकार से संभव नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ ये समझ लेते हैं कि जब संविधान हमारा बन रहा था तो ये तो जो सामाजिक न्याय की समस्या हमारे पुराने समय से चल ही रही थी, तो इन्होंने ये महसूस किया कि केवल समानता के अधिकार दे देने से ही सदियों से जो अत्याचार सहरा जो वर्ग हैं उनकी स्थिति में सुधार लाना संभव नहीं है। इसलिए उनकी स्थिति सुधारने और उनके हितों की रक्षा के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति को सरकारी नौकरियों में और विधायिका में आरक्षण भी प्रदान किया गया है। अगर ये कहा जाता कि समानता का अधिकार दे दिया तो उनकी स्थिति में सुधार हो जाएगा, नहीं तो इससे आगे बढ़ करके और अधिक सुधार लाने के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, तो यहाँ ये हमें समझ लेना है कि जो आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो आर्थिक से पहले सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए की गई है। सामाजिक न्याय के लिए ही हमारे संविधान के अंदर जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि जो दबे कुचले वर्ग हैं उनको जो है सामाजिक न्याय से जोड़ा जा सके, उनको सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, इसके बाद में देखिएगा, संविधान का जो भाग चार है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 38 में न्याय के आदर्श का जो है विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, वर्षक कार्य साधन के रूप में स्थापना करे और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा। ये कहा गया है कि राज्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को अनेक संस्थाओं में डालने का प्रयास करेगा और उसके लिए वर्षक प्रयास भी उसको करने पड़ेंगे। दोस्तों, अनुच्छेद 38 हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में न्याय के आदर्श को लोक कल्याण के आदर्श से भिन्न मानता है। इसके बाद में हम देखते हैं सामाजिक न्याय की प्रकृति। तो सामाजिक न्याय का अभिप्राय है कि एक नागरिक दूसरे नागरिक के मध्य सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, यानी एक नागरिक को दूसरे नागरिक से सामाजिक स्टेटस सोशल स्टेटस के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें और प्रत्येक व्यक्ति को विकास के पूर्ण अवसर उपलब्ध हों, सुलभ हों। किसी भी व्यक्ति का किसी भी रूप में शोषण नहीं होना चाहिए। देखिए क्या कहा, किसी भी व्यक्ति का किसी भी रूप में कोई शोषण न हो। यहाँ केवल ये नहीं है कि निम्न वर्ग का ही शोषण, ये कह रही हैं किसी भी वर्ग का किसी भी व्यक्ति का किसी भी रूप में शोषण न हो और उसके व्यक्तित्व को एक पवित्र सामाजिक विभूति माना जाए। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि हर व्यक्ति जो है उसका एक व्यक्तित्व है और उस व्यक्तित्व को एक सामाजिक विभूति माना जाए, न कि किसी की लक्ष्य की सिद्धि करने के लिए कोई साधन मात्र, यानी ये व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। सामाजिक न्याय की व्यवस्था में सुचारू और सुसंस्कृत जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों का भाव निहित है और इस संदर्भ में समाज की राजनीतिक सत्ता से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने विधायी और कार्यकारी कार्यक्रमों द्वारा समानतामूलक समतामूलक समाज की स्थापना का प्रयास करे, यानी जो भी समाज के अंदर राजनीतिक सत्ता है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी विधायी और कार्यकारी
जो शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल करें समतामूलक समाज की स्थापना करने के अंदर। अब हम थोड़े अनुच्छेद की भी बात कर लेते हैं। तो संविधान के भाग तीन, भाग तीन में हम जानते हैं क्या है मौलिक अधिकार, और भाग चार, भाग चार में क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनमें जो है सामाजिक न्याय के प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों की व्याख्या की गई है। यानी मौलिक अधिकार और जो नीति निर्देशक तत्व है वो सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के उपाय हमें बताते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 14, 14 क्या कहता है कि सभी नागरिकों के समक्ष विधि की समता है और अधिनियमों के अंतर्गत सभी को समान रूप से संरक्षण या सुरक्षा प्रदान की गई है। ये सारी बातें हम मूल अधिकारों के अंदर भी पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहते हैं, धर्म, मूल वर्ष, जाति, लिंग और अन्य स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव और विभेद का निषेध करता है। 14 क्या कहता है समता का है, और 15 क्या कहता है कि धर्म जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों 16 क्या कहता है, अवसर की समानता है, राज्याधीन पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को अवसर मिलेंगे, समान रूप से अवसर मिलने चाहिए। अनुच्छेद 17 के द्वारा देखो अस्पृश्यता को पूरी तौर से कानूनी तौर पर जो है समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों 23(1) क्या कहता है, मानव के पढ़ने और बेगार पर रोक लगाता है, यानी मानव का जो व्यापार है वो दास की तरह नहीं किया जा सकता और उसे जबरदस्ती काम भी नहीं करवाया जा सकता। दोस्तों अनुच्छेद 24 क्या कहता है, ये जो है कारखानों आदि के अंदर बाल श्रम पर रोक लगाता है, यानी खतरनाक कार्यों के अंदर, खान और ऐसे कार्यों के अंदर जो है बालकों को नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों 29(38) शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार जो दे रहा है वो भी सामाजिक न्याय के ही सोपान है। अब हम बात कर लेते हैं 41 और 42 की। 41 और 42 में संविधान ने राज्यों को ये उत्तरदायित्व सौंप दिया है, राज्यों को उत्तरदायित्व देता है कि वह काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए भी उपबंध करेगा। इसके बाद में देखिएगा अनुच्छेद 43 क्या कहता है, श्रमिकों के निर्वाह, उनके मजदूरी का प्रबंध की बात करता है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान व्यवहार संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 45 जो है अनुसूचित जातियों, जनजातियों और दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की उन्नति की बात करता है। अनुच्छेद 47 ये जो है आहार, पुष्टि, तल और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य की बात करता है। भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना में ये जो अनुच्छेद हैं वो काफ़ी सहायक सिद्ध होने वाले हैं। ये लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में हम इनको देखते हैं। अनुच्छेद 43, 44, 45 और 47। 43 क्या कहता है, श्रमिकों के निर्वाह मजदूरी की बात करता है। 44 जो है नागरिकों के लिए समान व्यवहार संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 45 जो है दुर्बल वर्ग है उनके लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की उन्नति के लिए बात करता है। और 47 कहता है आहार और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात करता है। दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारा 86वां संविधान संशोधन था जिसमें अनिवार्य शिक्षा वाली बात आती है। संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारत के संविधान में अंतर स्थापित 21 कै सामाजिक न्याय को स्थापित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों क्योंकि देखिएगा हम कितने भी जो है कानून बना दें लेकिन जब तक शिक्षा नहीं है तब तक कल्याण संभव नहीं है। इसलिए जो है शिक्षित करने के लिए ये कानून जो है बनाया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य कानून द्वारा निर्धारित करेगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये जो अनुच्छेद है वो अगस्त 2009 को संसद में अधिनियमित हुआ और 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। दोस्तों अब हम इसकी थोड़ी समीक्षा के रूप में देख लेते हैं। तो क्या इन कानूनों से लाभ हो पाया, तो ये कानून बने हुए तो देखिएगा काफी समय हो चुका है, संविधान लागू हुए भी काफी समय हो चुका है। तो क्या सामाजिक व्यवस्था के अंदर अपेक्षित जो सुधार था वो आ पाया है, अपेक्षित नहीं आ पाया। दोस्तों सुधार हुआ है हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन जितनी अपेक्षा की गई थी उतना नहीं हो पाया है। दोस्तों इतने सारी व्यवस्थाओं के बाद में भी जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ, स्पेशली हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाला जो सुविधा विहीन वर्ग था, न्यायपूर्ण जीवन जो है वो आज भी जी रहा है। सामाजिक न्याय की स्थापना और उसके विस्तार के लिए संविधान में जो व्यवस्था की गई थी दोस्तों उसका जो है गलत तरीके से उपयोग किया गया। आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी सामाजिक
न्याय के लिए, तो सबसे ज़्यादा अगर दुरुपयोग हुआ है तो उसी का हुआ है। वो एक वोट बैंक की राजनीति बन करके रह गई और एक ही परिवारों के अंदर, एक ही प्रकार के परिवारों को लाभ होते रहने के कारण इन वर्गों के अंदर भी, जो वंचित वर्ग हैं उसके अंदर भी एक कुलीन वर्ग और उत्पन्न हो गया दोस्तों, और जो है बार बार इन्हीं चीज़ों का लाभ उठाता रहा है। यानी व्यवस्था सही नहीं होने के कारण जो पूरा लाभ है, जो वास्तविक हकदार थे, उनको जो है सामाजिक न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है दोस्तों। तो मुख्य धारा से सामाजिक रूप से अलग थलग रहने वाले जो आदिवासी जनजातियां थे, निराश्रित जो अनुसूचित जाति के लोग थे, वंचित लोग थे, वो अभी तक पूरी सेवा का लाभ नहीं ले पाए, वो उनको आंशिक लाभ ही प्राप्त हो पाया है दोस्तों। सामाजिक न्याय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि सहृदयता से वंचित वर्ग का सामाजिक उत्थान हो, तभी जो है भेदभाव से परे सामाजिक न्याय के सिद्धांत का सुफल हमें प्राप्त हो सकेगा दोस्तों। देखिएगा, सामाजिक ध्रुवीकरण, जातिवाद, वोट बैंक की जो राजनीति थी, वो सामाजिक न्याय के मौलिक सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। यानी ये जो है बाधा पहुँचाती है सामाजिक न्याय के अंदर। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को केवल आरक्षण देने से ही सामाजिक न्याय की व्यवस्था नहीं हो सकती है दोस्तों। हमें इस वर्ग को मानसिक और शैक्षणिक विकास के सतत सार्थक प्रयास से ही इन संकीर्ण सामाजिक क्रियाकलापों से मुक्त करना पड़ेगा। यानी ये जो वर्ग है, मानसिक और शैक्षणिक विकास के सतत और सार्थक प्रयास से ही इन चीज़ों से मुक्त हो सकता है दोस्तों। ये केवल आरक्षण देने से समाप्त नहीं हो सकता। शैक्षणिक प्रावधान भी हालांकि किए जा रहे हैं, लेकिन मानसिक और शैक्षणिक विकास भी उतना ही आवश्यक है। जब तक ये नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाएंगे दोस्तों। इसलिए सामाजिक न्याय के लिए वंचित वर्ग का सामाजिक उत्थान और मानसिक विकास आवश्यक है दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हमें उन्हें मानसिक रूप से भी विकसित करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये था हमारा सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय के बाद में अब हम बात करेंगे बाल अधिकार और बाल संरक्षण के विषय में। तो देखते हैं यहाँ भी कौन सी चीज़ें हमें देखनी है। चलिएगा, शुरू करते हैं। पहले हम बाल अधिकार को देख लेते हैं दोस्तों। बाल अधिकार हम किसे कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत सरकार ने बच्चों के लिए अधिकार और नीतियों का निर्धारण किया है। अब यहाँ पहले हम ये बात देखिएगा, समझ लेते हैं कि बालक जो है, बालक ही हमारे देश की धरोहर है, संपत्ति है, क्योंकि वही आने वाले समय का नागरिक बनना है। जो आगे आने वाला देश होगा, उसका निर्माण जो बालक है अभी वही करने वाला है दोस्तों। तो उसकी उपेक्षा बड़ी घातक हो सकती है। अब उसके अधिकारों की रक्षा करनी भी आवश्यक होती है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसको अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान नहीं होता। तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो उसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए और आवश्यक कदम उठाए। साथ ही साथ जो अभिभावक हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि वो उनके अधिकारों का संरक्षण करें, क्योंकि बालक अपने अधिकारों को नहीं जानता है दोस्तों। बाकी महिला और अन्य लोगों के अधिकारों की बात करें तो वो खुद के बारे में जागरूक होते हैं, न कहीं आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन बच्चे अपने लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते, क्योंकि उन्हें कुछ पता भी नहीं होता है। तो हम देखें सबसे पहले कि बाल अधिकार के लिए जो कार्य किया गया, तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ से शुरू होता है, और भारत सरकार ने बच्चों के लिए अधिकार भी जो है बताए, और साथ ही साथ बच्चों के लिए नीतियों का निर्माण भी किया था। अब देखिएगा, बच्चों का जब जन्म होता है, तो जन्म के साथ ही उसको पहचान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और समानता के अधिकार बिना किसी जाति, धर्म, लिंग भेद के प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। उसके जन्म के साथ ही उसके बहुत सारे अधिकारों का कार्य शुरू हो जाता है, जिसमें पहचान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और समानता के अधिकार शामिल होते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि बाल अधिकार हम किसे कहते हैं, अगर परिभाषा की बात करें, तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून 2005, इसको याद रखिएगा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून 2005 के अनुसार बाल अधिकार में बालक और बालिका दोनों ही शामिल है। बालक बालिकाओं के वे सारे अधिकार शामिल हैं जो 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा स्वीकार किए गए थे। अब देखिएगा क्या कहा गया, 1989 के अंदर जो सम्मेलन हुआ, जो अधिवेशन हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ का, बाल अधिवेशन हुआ,
उसमें जो अधिकार बताए गए वे सारे के सारे बाल अधिकार की श्रेणी में आते हैं और उसके ऊपर हस्ताक्षर किया था भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को, सहमति प्रदान की थी। इसी के साथ यही अपने कहते हैं कि उस अधिवेशन में जिन अधिकारों की बात कही गई है वे सारे के सारे अधिकार जो हैं वो बाल अधिकार की श्रेणी में आते हैं। हम इसको किसी एक अधिकार से प्रभावित जो है परिभाषित नहीं कर सकते। तो दोस्तों क्या कहा हमने, बाल अधिकार में कौन से अधिकार शामिल हैं? वो अधिकार शामिल है जो 20 नवंबर 1989 के संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिवेशन में स्वीकार किए गए थे, वो सारे के सारे अधिकार बाल अधिकार की श्रेणी में आते हैं। तो ये बाल अधिकार की जो है परिभाषा है। बाल अधिकारों में चार प्रकार के अधिकार शामिल किए गए हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के अधिकार आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखें बालक का जो अधिकार है वो है जीने का अधिकार। वैसे तो ये सभी का होता है दोस्तों, बालक का भी जीने का अधिकार है, लेकिन बालक का जीने का अधिकार ये है कि उसको देखिए जन्म से पहले ही मिल जाता है, यानी जब उसका जन्म हुआ तो भ्रूण हत्या से सुरक्षा उसको मिलती है। तो यहाँ हमने कहा उसके जन्म से पहले ही बच्चे को ये अधिकार मिल जाता है। और इस जीने के अधिकार में दुनिया में आने का अधिकार शामिल है, यानी गर्भ में उसकी हत्या न हो, न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं उसको जो टीकाकरण जो है या फिर खाने पीने की जो सुविधाएं हैं वो सारी की सारी उसको मिले, भोजन आवास वस्त्र पाने का जो अधिकार है वो जीने के अधिकार में शामिल है। तो इसमें देखिएगा समझिएगा इसको कि जीने के अधिकार में कौन सा अधिकार है, एक तो दुनिया में आने का अधिकार शामिल हो गया, दूसरा उसको स्वास्थ्य का अधिकार शामिल हो गया, तीसरा उसमें अन्य जो भी सुविधाएं हैं जिसमें भोजन आवास वस्त्र ये सारी चीजें उसको मिलनी चाहिए। तो ये सारा का सारा किसमें आ गया, जीने के अधिकार, यानी जीने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, पहले तो जिंदा रहे ना वो दुनिया में आ पाए पहला अधिकार, दूसरा कि वो स्वस्थ रहेगा तो उपभोग कर पाएगा, स्वस्थ रहेगा तो अब जिंदा तो आ तो गया दुनिया में लेकिन अगर वो स्वस्थ नहीं है तो फिर कितने दिन निकाल पाएगा, तो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो मिले। अब उसको जो भी दैनिक जीवन में जो चीजें चाहिए वो भी, जैसे भोजन है, रहने को घर है, वस्त्र है, ये सारी चीजें उसको मिले, ये जीने के अधिकार में शामिल हैं। फिर देखिएगा विकास का अधिकार है। अब जन्म ले लिया उसने, अब उसका विकास अच्छे से हो, और विकास में कौन से अधिकार की बात कर रहे हैं, अपने भावनात्मक विकास की, मानसिक विकास की और शारीरिक विकास, ये तीनों प्रकार के विकास जो हैं वो उसका हो, इसका अधिकार उसके पास में है। यानी विकास के अधिकार में कौन से विकास, भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक, सभी प्रकार के विकास शामिल है। अब देखिएगा सबसे पहले हम बात करें भावनात्मक विकास की, तो भावनात्मक विकास कब शामिल है, कब संभव है दोस्तों, वो तब संभव है जब अभिभावक, संरक्षक, समाज, विद्यालय, सरकार, ये सारे के सारे मिलकर के बच्चे की सही देखभाल करें, तभी देखिएगा जो है उसका भावनात्मक विकास हो पाएगा। यानी भावनात्मक विकास के लिए अभिभावक, संरक्षक, समाज, विद्यालय, इन सभी को जरूरी है कि वो बच्चे की सही देखभाल करें। दूसरा विकास था मानसिक विकास। मानसिक विकास में देखिएगा उसका मानसिक विकास होगा शिक्षा से और सीखने से, तो ये दोनों चीजें उसको मिलनी चाहिए। शिक्षा और सीखने का अधिकार उसको मिलेगा तो मानसिक विकास होगा। शारीरिक विकास के लिए जरूरी है मनोरंजन, खेलकूद और पोषण, ये सारी चीजें जो हैं उसको मिलनी चाहिए, ये उसके विकास के अधिकार में शामिल हैं। फिर हम बात करें संरक्षण का अधिकार। बच्चे को घर पर, अन्यत्र, उसको किससे देखिए सुरक्षा मिले, संरक्षण मिले, शोषण, हिंसा, उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार उसको मिलना चाहिए। विकलांग बच्चे विशेष संरक्षण के पात्र हैं क्योंकि उनकी आवश्यकताएं थोड़ी अलग और ज्यादा होती हैं। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी सबसे पहले ये कहा जाता है कि बच्चे की सुरक्षा ही करनी अनिवार्य है। तो संरक्षण के अधिकार में क्या शामिल है, शोषण, हिंसा, उत्पीड़न आदि से संबंधित जो अधिकार हैं वो इसमें आते हैं। जीने का अधिकार देखिए जन्म और उसकी स्वास्थ्य सेवाएं आदि से संबंधित हुआ। विकास है जो है भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक विकास है। संरक्षण के अंदर उसको साथ में कोई हिंसा न हो, कोई उसको चोट न पहुंचाए, ये सारे अधिकार जो है संरक्षण के अधिकार में आते हैं। इसके बाद में देखिएगा भागीदारी का अधिकार। ये क्या कहता है, बच्चे को ऐसे फैसले या विषय में भागीदारी करने का अधिकार हो जो उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हो। यानी हम कहें बालक को वो अधिकार भी होना चाहिए
कि जो उससे जुड़ा हुआ फैसला है उसमें वो शामिल हो। बच्चों की आयु व परिपक्वता के अनुसार इस भागीदारी के अनेक स्तर हो सकते हैं। जैसे 11वीं 12वीं में बच्चा है तो उसे पूछा जा सकता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलना चाहिए, लेकिन बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो उसको अपने ये नहीं कह सकते तेरे को कौन से स्कूल में जाना है तू बता। वो हम अपनी जो क्षमताएँ हैं और बच्चे का योग्यता है उसके हिसाब से उस चीज़ों को देखते हैं। तो ये चार अधिकार थे जिनके विषय में हमने बात की। इसके बाद में दोस्तों आगे आता है बाल अधिकार का हनन कब माना जाएगा, किन परिस्थितियों में माना जाता है। दोस्तों बहुत ही आसान सा टॉपिक है, फैक्ट भी इसमें बहुत कम है। तो बाल अधिकार हनन में पहला आता है कन्या भ्रूण हत्या। देखिए जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, इसमें जो भी भ्रांतियाँ हैं अंधविश्वास है उनके कारण जो है कन्या को जन्म देने से पहले ही भ्रूण में उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसे हम भ्रूण हत्या के नाम से जानते हैं। तो सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए PC&PNDT कानून बनाया 1994 के अंदर। इसके तहत जो है दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। अभी आपने सुना भी होगा भारत सरकार का एक अभियान चल रहा है, जब भी कोई अत्याचार होता है तो हम ऐसा सुनते भी हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है चल रहा है। तो भारत सरकार ने अभियान भी चला रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर हम बात करते हैं बाल विवाह से संबंधित। ये भी हमारी एक पुरानी काफ़ी पुरानी रूढ़ी और परम्परा चली हुई आ रही है। ये होता किस लिए, अशिक्षा और जनचेतना का अभाव होने के कारण बड़ी संख्या में बाल विवाह हो रहे हैं और विशेषतः कौन से क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह संपन्न होते हैं। ये एक सबसे पुरानी अपने कह सकते हैं एक कुरीति मानी जाती है। अब बाल विवाह से देखिएगा लाभ कोई नहीं है दोस्तों, नुकसान ही है। बच्चों का जो बेहतर स्वास्थ्य है वो नहीं मिल पाता, उसका पोषण नहीं हो पाता, शिक्षा पाने का जो अधिकार है उसका हनन भी हो जाता है दोस्तों। क्योंकि जो उसका पढ़ने का उम्र था उसके अंदर तो देखिएगा उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई काफ़ी, तो कैसे वो अपनी शिक्षा को प्राप्त कर पाएगा। साथ ही साथ छोटी आयु में बालक है उसे इतना ध्यान भी नहीं होता, इसलिए उसके साथ में हिंसा भी होती है, उत्पीड़न भी होता है और शोषण भी होता है दोस्तों। तो इनसे बचाव के मूलभूत अधिकारों का हनन यहाँ हमें देखने को मिलता है। इससे बच्चे के शरीर और मस्तिष्क दोनों पर ही गंभीर प्रभाव पड़ता है दोस्तों। शिक्षा के मूल अधिकार का भी हनन होता है, शारीरिक मानसिक शैक्षिक सभी दृष्टि से उसको हानि ही हानि है। कई बार तो इससे बहुत सारे बच्चे अनपढ़ और अकुशल भी रह जाते हैं दोस्तों, और उनके सामने अच्छे रोजगार पाने के और बड़े होने पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की जो संभावना है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। और इसकी रोकथाम के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का गठन किया गया है दोस्तों। तो ये हमें याद रखना है कि बाल विवाह जो किस कारण से होता है, अशिक्षा जनचेतना के अभाव के कारण होता है, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, शारीरिक मानसिक और देखिएगा शैक्षिक सभी प्रकार के अधिकारों का जो है इससे हनन होता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं बाल श्रम के विषय में। आज भी समाज में बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और शिक्षा प्राप्त करने के स्थान पर आपको किसी न किसी दुकान पे काम करते मिल जाएंगे, कारखानों में और देखिए घरों में कई बार तो आपको ढाबों के अंदर तो देखिएगा चाय पकड़ाने के लिए यही बच्चे मिलते हैं, चाय की दुकानों में ईंट भट्टे पर भी मिल जाएंगे, खेत पर तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम बच्चे साथ में करते ही करते हैं। तो इससे जो लगातार है वो बच्चों का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम कराने की सूचना अगर किसी को मिलती है तो किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत कार्यवाही की जाती है। ये एक्ट वगैरह पूछे जा सकते हैं, इनको आप याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं बाल यौन हिंसा। यहाँ बात यौन हिंसा की है लेकिन वो किससे है, बालक से है दोस्तों। तो भारत सरकार ने ये निर्धारित किया है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा की रोकथाम के लिए लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 लागू किया गया है, जो इनसे सुरक्षा करता है। बाल तस्करी, ये थोड़ा ध्यान देने वाला है कि बाल तस्करी में क्या होगा, बाल श्रम यौन हिंसा और अन्य जो कार्य हैं उसके लिए पैसे देकर बहला फुसला कर डरा धमका कर शक्तियों का दुरुपयोग करके अपहरण करके बच्चों को उठा लिया जाता है। कई बार आप सुनते हैं ना कि बच्चों को उठाने वाले गैंग है यहाँ, तो वो किसी न किसी कारण से उठा ले जाते हैं। और ऐसे आपराधिक कार्यों की रोकथाम के लिए भी काफ़ी दंडात्मक कानून हमारी सरकार ने बना रखे हैं। फिर हम बात करते हैं बाल
दुर्व्यवहार के विषय में, बच्चों के साथ में किसी भी प्रकार का शारीरिक, लैंगिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार है, अत्याचार है, हिंसा है, वो सारे के सारे बाल दुर्व्यवहार में आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए बाल दुर्व्यवहार क्या है, तो किसी प्रकार के शारीरिक, लैंगिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार है वो इसमें आता है, हिंसा भी इसी का भाग होता है। अब देखिएगा कौन कौन से हो सकते हैं। शारीरिक दुर्व्यवहार की बात करें, ऐसा कोई भी कार्य जो बच्चे को पीड़ा पहुँचाए, चोट पहुँचाए या फिर तकलीफ दे, मारना पीटना, ये ऐसा कोई भी कार्य है जिससे बच्चे को पीड़ा हो, दुख हो, तो वो सारे के सारे शारीरिक दुर्व्यवहार में आते हैं। इसके बाद में देखिएगा बाल यौन दुर्व्यवहार, वे सभी अपराध जो लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम पोक्सो के अंतर्गत शामिल है, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। फिर देखिएगा भावनात्मक दुर्व्यवहार, भावनात्मक रूप से बच्चे को चोट पहुंचाना, ऐसी कोई भी चूक या भूल जिसके कारण बच्चा जो है वो सुनकर के तनाव में आ जाए, भावनात्मक या मानसिक पीड़ा का शिकार हो जाए, तो वो सारे के सारे भावनात्मक दुर्व्यवहार में आते हैं। इसके बाद में देखिएगा ऐसा कोई भी पूर्वाग्रही व्यवहार जो बच्चे की जाति, लिंग, व्यवसाय, धर्म आदि के आधार पर किया जाता है, यानी बच्चा स्कूल में आया तो उसकी जाति है, उसके आधार पर उसके साथ में कोई भी ऐसा व्यवहार किया गया जो भावनात्मक रूप से उसको चोट पहुंचाता है, मानसिक पीड़ा होती है उसको, तो वो सारे इसमें आते हैं। अब देखिएगा केवल अधिकारों से काम नहीं चलता, एक बात याद रखिएगा, जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य भी होते हैं दोस्तों, बिना कर्तव्य के अधिकार अधूरे होते हैं। अगर बालक को अधिकार चाहिए तो उसे कुछ कर्तव्यों का पालन भी करना होता है। अगर संतान को पिता की संपत्ति में हिस्सा चाहिए, वो उसका अधिकार है, तो उसकी सेवा करना उसका कर्तव्य भी बनता है। तो बिना कर्तव्य के अधिकार जो हैं वो अधूरे होते हैं दोस्तों। लेकिन कर्तव्य के लिए दंड नहीं है, अधिकारों के लिए दंड आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ बच्चों के कर्तव्य क्या है दोस्तों, अभिभावक, शिक्षकों, कर्मचारियों, बाहरी लोगों का वो क्या करे, सम्मान करे, कम से कम अपने घर से अपने से बड़ों का सम्मान करे, एक लाइन में अगर हम इसको कहना चाहें तो ये बच्चे का कर्तव्य है। दूसरा कि अपने से संबंधित जो भी आवश्यक जानकारियाँ हैं वो अभिभावक को दे, किससे मिलता है, कौन दोस्त हैं, क्या वो कर रहा है, ये सारी जानकारियाँ अभिभावक और शिक्षक को दें जो उनके लिए जाननी आवश्यक हैं। दूसरे साथियों के साथ अपने ज्ञान को उसे बांटना चाहिए। फिर देखिएगा किसी दूसरे बच्चे के साथ वो किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे। दुर्व्यवहार अभी हमने देखे हैं, वो ये भी तो कर सकता है ना, किसी को चोट पहुंचा सकता है, चोट नहीं पहुंचाए, नहीं किसी को तनाव दे, धमकाए नहीं किसी को, छोटे नाम से नहीं पुकारे, अपमानित करने वाली भाषा को इस्तेमाल न करें या फिर गालियों का इस्तेमाल न करें, तो ऐसे कार्य उसको नहीं करने हैं, ये बच्चे का कर्तव्य है। उसके बाद में देखिएगा अपनी निजी वस्तुएं, किसी बच्चे की जो निजी वस्तु हैं उसको लेने के लिए दूसरे बच्चे को बाध्य न करें दोस्तों, यानी किसी की पेंसिल पसंद आ गई तो उससे छीन लें या उसको इस प्रकार से बाध्य करें कि वो उसको दे दें। तो दोस्तों इसके बाद में हम ये भी देख लेते हैं कि बच्चों के लिए ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी हैं, बच्चा किन बातों का ध्यान रखे। दोस्तों ये टॉपिक जो है वो शामिल इसलिए किया गया है सिलेबस में ताकि बच्चे भी अपने अधिकार को जान पाएं और शिक्षक भी उनको जागरूक कर सके कि ये आपके अधिकार हैं, ये कार्य आपको नहीं करने हैं। तो बच्चों को क्या नहीं करना है, ऐसी जगह पर उन्हें नहीं जाना जहां वो खुद को असुरक्षित महसूस करे। खतरा महसूस होने पर वहां से खिसक लेना चाहिए, उसको वहां पर रुकना नहीं चाहिए। वो कैसी ऐसी जगह पर आ गया जहां वो उसे देखिए लग रहा है कि वो सुरक्षित नहीं है, तो उस जगह को छोड़ दे। किसी अजनबी के घर पर न जाए और यदि बाहर जाना हो तो सभी जानकारियाँ दे अभिभावक और किसी भी संरक्षक को। देखिए हमने क्या कहा, अजनबी लोगों से नहीं मिलना है, किसी के घर नहीं जाना है। अगर बाहर जा भी रहा है तो वो बताए कि वो कहाँ जा रहा है, कितनी देर जा रहा है, किस काम से जा रहा है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर क्या रहेंगे, वो सारी की सारी सूचनाएं वो संरक्षक को दे। अजनबियों से उसे सतर्क रहना है दोस्तों। वैसे तो सबके लिए ही कहा जाता है, किसी से कोई खाने पीने की वस्तु उसको नहीं लेनी है। कोई अगर उसको देखिए घुमाने का लालच दे रहा है, खाने पीने का लालच दे रहा है, कुछ ऐसे ऑफर दे रहा है, तो अभिभावक या शिक्षक आदि को वो देखिए जरूर बताए। कोई भी ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति है वो उसको वो बातें सारी बतानी चाहिए। उसे ज़्यादा लोगों के बीच में ही रहना चाहिए, समूह में खेलना उसके लिए अच्छा है। एकांत में अपराध होने की संभावना ज़्यादा रहती है दोस्तों। किसी भी व्यवहार से अगर उसको असुरक्षा महसूस हो तो अभिभावक या विश्वसनीय लोगों को बता सकता है या फिर 1098 या 100 नंबर पर वो कॉल कर सकता है। तो यहाँ ये बातें जो हैं उसको बच्चे को ध्यान में रखनी है जो उसके लिए लाभदायक हैं। शून्य स्थानों पर अगर कोई शौचालय है तो वहाँ पर उसे अकेले नहीं जाना। इंटरनेट पर अजनबियों को अपना डाटा शेयर करना ही नहीं है ना, कि अपना फ़ोटो, अपना नाम, फ़ोन नंबर ये वगैरह जो चीज़ें हैं उसको शेयर नहीं करनी होती हैं।
अगर कोई आपके परिवार के बारे में कोई आपात सूचना स्कूल में देता है कि ऐसे ऐसे आपके परिवार के साथ में हो चुका है, आपको घर पे बुलाए हैं, तो बिना उस बात की पुष्टि किए बिना आपको कभी भी स्कूल नहीं छोड़ना है, ऐसा बच्चे को ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि बाल संरक्षण हेतु कौन से कार्य किए गए हैं, सरकारी तंत्र क्या काम कर रहा है। तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये आयोग क्या करता है, बालक या बालिका के अधिकारों के हनन के मामलों की जांच करता है, सुनवाई करता है और उसके साथ साथ बच्चों से जुड़े कानूनों योजनाओं के क्रियान्वयन की देखिए निगरानी और समीक्षा संबंधी कार्य करता है। अब देखिएगा ये आयोग क्या काम करता है, दो काम हो गए ना, एक तो कोई अधिकारों का हनन हो गया तो उसकी जांच और सुनवाई करेगा, दूसरा कि उसके लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी निगरानी और समीक्षा करने का काम करेगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो की निगरानी में भी जो जिम्मेदारी है वो आयोग को ही दी गई है, यानी आरटीई 2009 और पॉक्सो की निगरानी है वो भी किसको करनी है दोस्तों, वो जिम्मेदारी भी इस आयोग को ही दी गई है। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं हम राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति, ये समिति क्या काम करती है। ये समिति जो है बाल संरक्षण कार्यक्रम कानूनों नीतियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, यानी बाल संरक्षण से संबंधित जो भी कार्यक्रम है, कानून है, जो नीतियां बनाई गई हैं उनका क्रियान्वयन हो इसको सुनिश्चित करती है। ये समिति की जो जिला शाखाएं हैं उसके रूप में सभी जिलों में जिला बाल संरक्षण इकाई गठित की गई है, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है। इनका जो उद्देश्य होते हैं बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों को सामुदायिक स्तर पर क्रियान्वयन और जागरूकता उत्पन्न करना है। तो राजस्थान बाल संरक्षण समिति क्या करती है, जो भी योजना और कानून और नीतियाँ बनाई गई हैं उनको क्रियान्वित करने का कार्य करती है दोस्तों, उसकी क्रियान्वयन हो रहा है इसकी इसको सुनिश्चित करने का कार्य करती है। इसकी जो शाखाएं हैं जिला शाखाओं के रूप में सभी जिलों में है, जिसे जिला बाल संरक्षण इकाई कहते हैं, ब्लॉक पर है तो ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति के नाम से जानते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम देख लेते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, यदि कोई बालक कठिनाई में घिरा हुआ है, पीड़ित है, उपेक्षित है, लावारिस है, उसको संरक्षण की जरूरत है तो वो 1098 नंबर पर कॉल कर सकता है, 100 नंबर पर भी वो कॉल कर सकता है। दोस्तों ये सुविधाएं सरकारी तंत्र के द्वारा की जा रही हैं। अब एक दो फैक्ट हैं उनको भी देख लेते हैं। राज्य की प्रथम बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 को गढ़ी पंचायत समिति बांसवाड़ा से शुरू की गई थी। इसके माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती धात्री महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को 6 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो पहली बाल विकास परियोजना बांसवाड़ा से शुरू की गई थी, इतना ही जानना आवश्यक है हमारे लिए। 24 जनवरी 2013 को राष्ट्रीय बालिका दिवस जब आया तो उसी अवसर पर राजस्थान राज्य बालिका नीति का विमोचन किया गया। ये जो नीति है वो बालिकाओं को समर्पित देश की पहली बालिका नीति मानी जाती है। फिर अंतिम फैक्ट देख लेते हैं अपने, 10 जुलाई 2017 को राजस्थान की पहली पॉक्सो कोर्ट कहाँ बनी थी, जयपुर में स्थापित की गई थी, इसकी सूचना जारी की गई थी और सदर थाना धौलपुर जो है वो राजस्थान का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास और मुझे उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर सच में आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, क्लास कैसी लगी, रियल फीलिंग जो आपकी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुझाव है तो आप कमेंट करके मुझे दे सकते हैं। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो और पूरा सिलेबस आपको केवल यहाँ और इसी चैनल पर मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए तथ्यों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।